जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार के भी नहीं हारता। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना भले ही कठिन हो, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। सुख के समय में व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही विनम्र और दयालु होना चाहिए। हर किसी की यथासंभव मदद करनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी हमने भी बुरा वक्त देखा है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी में हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। जिसे तुम अपनी हार मानकर चिंतित हो वो तुम्हारा अनुभव है। अपने पीठ पीछे हो रही चर्चाओं पर कभी ध्यान मत दो, क्योंकि हार तो वो सबक है जो तुम्हें और बेहतर बनने का मौका देगी। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। मुफ्त का ज्ञान देने वाले इधर बहुत है, सुनो सबकी पर करो अपने मन की। जिंदगी में कभी किसी पर आश्रित मत रहो, वरना हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। क्यों डरते हो? जिंदगी में क्या होगा, जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। कोई काम कितना ही कठोर क्यों ना हो, जिद और दृढ़ विश्वास से उसे पूरा किया जा सकता है। ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। एक कवि ने क्या खूब कहा है, गिरते हैं घुड़सवार मैदान ए जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी न लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। दोस्तों, जिंदगी के सारे तजुर्बे किताबों में नहीं मिलते, रूबरू होना पड़ता है जमाने से इन्हें पाने के लिए। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे क्या कभी इसका विचार किया। जीवन में तीन मंत्र हमेशा याद रखो, आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मर दो, दुख में निर्णय मत लो। गरीब इतने बनो कि हर कोई आपके साथ बैठ सके।
और अमीर इतने बनो कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखे, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।